हेलो फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। हर एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बिफोर टू स्टार्ट दैट टॉपिक, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक एटम हर एक अलग अलग स्ट्रक्चर में कितनी शेयरिंग करता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एटम्स एट कॉर्नर, जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है उसके लिए कितनी शेयरिंग होगी, कैसे शेयरिंग होगी। तो कंसीडर करो कि कोई एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो एटम है वो एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, तो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अब अगर ये एटम कोई भी एक एटम है और वो सिंपल यूनिट सेल में अगर वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसकी शेयरिंग कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है, वो हमें पहले जानना पड़ेगा। तो अगर ये यूनिट सेल है तो ठीक इसके बाजू में भी एक दूसरा यूनिट सेल भी होगा, इसके बाजू में भी एक दूसरा यूनिट सेल हम फॉर्म कर लेते हैं। ये हो गया, मींस ये एटम आपको क्लियरली दिख रहा है कि दो में शेयरिंग कर रहा है। अब सेम इसी तरह अगर इसके ऊपर हम यूनिट सेल फॉर्म करें, इसके ऊपर अगर हम यूनिट सेल फॉर्म करते हैं तो वो भी दिखेगा हमें क्लियरली कुछ ऐसे। तो कितने हुए, तीन हुए। ठीक इसके बाजू में भी अगर हम यूनिट सेल फॉर्म करें तो उसकी शेयरिंग वहां पे भी हमें क्लियरली दिखेगी। अब ये एटम जो कॉर्नर पे हमने रखा था स्फेरिकल फॉर्म में, ये आपको कितने में दिख रहा है, तो 1 2 3 4, फोर हो गए। अब फोर यहाँ पे है तो ये एटम पूरा स्फेरिकल फॉर्म में, तो ठीक इसके सामने भी फोर होंगे। मींस अगर एक लार्ज यूनिट सेल में फॉर्म करूं और फिर वापस इसको मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, कुछ ऐसे, तो अगर मैं ये पॉइंट्स को मैच कर रहा हूं ओके, देन ये जो कॉर्नर का एटम होगा ये एक यूनिट सेल में आएगा, तो इसकी शेयरिंग कितने से हो रही है। ये एटम को आप देखो अच्छे से, तो एक तो यूनिट सेल आपको साइड में यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक पीछे दिख रहा है ये वाला और एक ये वाला, तो टोटल चार यहाँ पे और चार ऊपर है। इट मीन्स वन एटम इज शेयर्ड बाय एट यूनिट सेल। एक सिंगल एटम आठ यूनिट सेल में शेयरिंग कर रहा है। ओके, देयरफोर वन बाय एट एटम पर यूनिट सेल आएगा। एक एटम के लिए अगर हम देखें तो कितना आएगा, दैट विल बी 1/8 एटम पर यूनिट सेल। किसके लिए, सिर्फ एक कॉर्नर के एटम के लिए। फॉर दोज एटम्स विच प्रेजेंट एट
कॉर्नर। ओके, नाउ अगर हम डिस्कशन करें कि एटम जो है एट फेस सेंटर, अगर वो एटम फेस सेंटर पे प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या कंडीशंस होगी। अगर हम कोई एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, तो उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे एटम्स एट फेस सेंटर, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हमने देखा था, तो वहाँ पे हमने ड्राइंग की है। तो अगर नहीं देखा हो वीडियो तो वापस से वो वीडियो देखो आप। तो वहाँ पे अगर फेस पे एटम है, अब हम कॉर्नर की बात नहीं कर रहे, फेस की बात कर रहे, तो ये एक फेस है, सपोज एक फेस ये होगा, एक फेस पीछे वाला, एक फेस सामने वाला, बाद में एक फेस ऊपर का फेस होगा और एक नीचे का फेस होगा। तो कोई भी एक फेस आप कंसिडर करो, तो मैं ये साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला फेस कंसिडर करता हूँ और यहाँ पे एटम मैं स्फेरिकल फॉर्म में रखता हूँ। तो ठीक इसी के बाजू में एक दूसरा यूनिट सेल भी होगा, इसी के बाजू में एक दूसरा यूनिट सेल भी होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि एक फेस जो है वो दो यूनिट सेल के लिए कॉमन है। तो इसका एटम जो एक स्फेरिकल फॉर्म में है वो कितने यूनिट सेल में होगा, तो ऑब्वियसली दो यूनिट सेल में होगा। इसके लिए फॉर दोज एटम्स विच प्रेजेंट एट फेस सेंटर इट विल बी सेड इट्स हाफ, और हम ऐसा बोल सकते हैं 1/2 एटम्स एट ईच फेस। एक फेस मीन्स एक यूनिट सेल के लिए पर यूनिट सेल हाफ एटम, फेस पे जो एटम होगा वो हाफ पार्ट एक यूनिट सेल के लिए शेयरिंग करेगा। अगर सेम ऐसे ही हम बॉडी सेंटर के लिए डिस्कशन करें, एटम एट बॉडी सेंटर, उसके लिए अगर हम डिस्कशन करें तो क्या होगा। सिंपल एक अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे जो एटम रखना है वो हमें कहाँ रखना है, पूरी बॉडी के बीच में, बॉडी के सेंटर में, जहाँ से इक्वली डिस्टेंस हो उसके हर एक कॉर्नर का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे एक यूनिट सेल में सिर्फ एक ही एटम बीच में, सो दैट इज वन एटम प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर ऑफ यूनिट सेल, एक एटम प्रेजेंट होगा यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे। देयरफोर हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, फॉर कॉर्नर एटम की शेयरिंग कितनी होगी 1/8, एक एटम की शेयरिंग कितनी होगी 1/8, और जो एटम फेस पे होंगे उनके लिए शेयरिंग कितनी होगी, तो 1/2। ओके, और जो बॉडी सेंटर पे उसके लिए कितना होगा, 1 एटम। ओके, सो दैट इज अबाउट शेयरिंग ऑफ एटम्स एट डिफरेंट पोजीशंस।